अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर। सिंगल एटम आर फार टू स्मॉल टू बी सीन। एक जो सिंगल एटम होता है वो बहुत छोटा होता है, आप उसको देख नहीं सकते इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 4 बिलियन सोडियम एटम विल फिट ऑन द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। इन्होंने कहा ये जो आपके पास फुल स्टॉप बना हुआ है इसके अंदर 4 बिलियन सोडियम के एटम आ सकते हैं, बस इतने से डॉट के अंदर। हाउ एवर, इन स्पाइट ऑफ देयर स्मॉल साइज, साइंटिस्ट हैव मैनेज टू फाइंड आउट अ ग्रेट डील अबाउट द एटम। इतना छोटा होने के बावजूद साइंटिस्ट ने जो है इसके अंदर मजीद मालूम हासिल करी। एटम आर टिनी पार्टिकल्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल सब्सटेंस। एटम जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, उसी पर हर चीज़ मुश्तमिल होती है। वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो। फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स एटम वर थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। 100 साल तक तकरीबन यही सोचा गया कि एटम जो है वो सबसे छोटा जर्रा है। देन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एटम देमसेल्व आर मेड अप ऑफ इवन ए स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फिर ये डिस्कवर किया गया एटम जो है अपने से भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाए हैं जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऑल एटम कॉन्सिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस। तमाम एटम जो होते हैं वो न्यूक्लियस पे और एक क्लाउड के ऊपर, क्लाउड उन्होंने गुच्छे को बोला है, जैसे कि एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो गुच्छे की सूरत में मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इट्सेल्फ इज़ अ क्लस्टर ऑफ टू काइंड ऑफ पार्टिकल, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। देखेंगे प्रोटोन और ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटोन ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं आपस के अंदर क्लस्टर गुच्छे की शक्ल में। इसके ये बिल्कुल राउंड ऐसे गोल सर्किल नहीं होता इसके अंदर पड़े हुए ऐसे, नहीं बल्कि ये इस तरह से जुड़ के एक गुच्छा सा बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है गोल हो, ये डिफरेंट शेप का भी हो सकता है, मगर ये इसका सेंटर होते हैं। इसी के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि इसी तरह का एक गुच्छा होता है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट पे रोटेट कर रहे होते हैं। ऑल द पार्टिकल इन एन एटम आर वेरी लाइट, तमाम पार्टिकल एटम के अंदर बहुत हल्के होते हैं। देयर मास इज मेजर इन एटॉमिक मास यूनिट, इनका मास जो है वो एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है रेदर देन ग्राम। ग्राम के बजाय एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। पार्टिकल इन द एटम मास इन एटॉमिक यूनिट, प्रोटॉन का 1 है, न्यूट्रॉन का 1 है। चार्ज के इस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट नो मास, बहुत कम मास होता है, इसके नो मास है इसका। नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं। साइंटिस्ट हैव वर्क आउट अ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ द एटम इन विच इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन डेफिनेट लायर और लेवल ऑफ एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस। साइंटिस्ट ने वर्कआउट करके एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेट लायर डिफरेंट एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, इनके एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होते हैं। ईच लायर और शेल कैन हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर शेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, उसके बाद 18, इस तरीके से चलते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट और शेल कैन हैव डिफरेंट नंबर स्टार्टिंग नियर द न्यूक्लियस, देयर आर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इफ एन इज़ द शेल नंबर, अगर एन जो है वो शेल नंबर, ये शेल नंबर है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ इन द शेल कैन बी होल्ड एज 2 की पावर 2 × n की पावर 2। अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ तो 1 की पावर 2 का मतलब है 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, और अगर n की जगह 2 रख दूँ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो सेकेंड और थर्ड शेल में ये 8 ही होते हैं, थर्ड में भी 8 ही होते हैं, लेकिन फोर्थ में क्या होते हैं, 18 हो जाते हैं। द फर्स्ट एनर्जी शेल विच इज़ एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड होल्ड 8, द आउटर मोस्ट शेल कैन होल्ड नो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट भी 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता। स्टडी ऑफ सोडियम एटम क्लियर केयरफुली, हमें
स्टडी ऑफ सोडियम एटम कर रहे हैं। द सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। सोडियम के एटम के अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। द डिफरेंट लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल। और जो डिफरेंट लेवल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेल कहलाते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। नोटिस हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन द सोडियम एटम। आप देखें किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। द सोडियम एटम इज ऑफ्टन रिटन एज Na2H1, मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है। एटॉमिक नंबर, लुक एट द सोडियम एटम अगेन। सोडियम एटम को दोबारा से देखें, इट हैज 11 प्रोटॉन। दिस फैक्ट कुल बी यूज टू आइडेंटिफाई इट बिकॉज ओनली अ सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन। क्योंकि सिर्फ सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए आप उसे ईजिली पहचान सकते हैं। एवरी अदर सॉर्ट ऑफ एटम हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर एटम की डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट नंबर। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सबका डिफरेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट नंबर है। इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक नंबर भी कहलाता है। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के एक एटम के अंदर। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। द सोडियम एटम ऑल्सो हैज 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम के भी 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? इक्वल होता है एन इलेक्ट्रॉन। द सेम इज़ ट्रू फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ एटम। और ये बिल्कुल ट्रू है तमाम सॉर्ट ऑफ एटम के लिए। एवरी एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर एटम का इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर एटम के बिल्कुल बराबर होते हैं। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बिकॉज ऑफ दिस एटम हैव नो ओवरऑल चार्ज। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज से एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। मास नंबर, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव ऑलमोस्ट नो मास। इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के अंदर होता है उसका कोई मास नहीं होता। सो द मास ऑफ एन एटम इज लार्जली ड्यू टू इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता। फॉर दिस रीजन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इसी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मास नंबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर होता है। द मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब प्लस करते हैं तो ये मास नंबर बन जाता है। सोडियम इज 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स होता है। नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23, क्योंकि दोनों को हमने प्लस करके बनाया, 23 हो गया। द सोडियम एटम कैन बी डिस्क्राइब इन अ शॉर्ट वे। द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, द एटॉमिक नंबर इज 11, द मास नंबर इज 23। इस तरह से आप सोडियम के एटम को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर दिस यू कैन टेल दैट सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। इसलिए आप कह सकते हैं सोडियम के एटम के अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। कैन वी ऑफ्टन डिस्क्राइब एटम इन दिस वे? मास नंबर, सिंबल, एटॉमिक नंबर। आपको एटम हमेशा इस तरह से लिखा हुआ दिखता है। ऊपर इसका मास नंबर होता है, नीचे इसका एटॉमिक नंबर होता है, बीच में इसका सिंबल होता है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। सोडियम इज मेड ऑफ सोडियम एटम ओनली। सोडियम जो है वो सिर्फ सोडियम के एटम से बनता है। सो इट इज़ एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है। कार्बन, मरकरी, आयरन, कॉपर और आर ऑल एलिमेंट, ये तमाम एलिमेंट है। ऑल टुगेदर 117 डिफरेंट एलिमेंट आर नोन। 117 एलिमेंट जो है वो आज तक नोन है। आउट ऑफ दीज 90 हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जिसमें से 90 जो है वो ज़मीन में से निकाले गए हैं और एटमोसफेयर से हासिल किए गए हैं। 23 हैव बीन आर्टिफिशली मेड बाय साइंटिस्ट, और 23 जो है वो आर्टिफिशली मेड बनाए गए हैं साइंटिस्ट की मदद, साइंटिस्ट ने। एवरी एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ सैम्बल। हर एलिमेंट का एक सेम और सैम्बल होता है, नेम होता है। जो आपके पास यहाँ चार्ट में दिए हुए हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर सब यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर भी कहलाता है, और मास नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करके मिलता है। जैसे एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, इसका सैम्बल एच है, इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर इन दोनों को प्लस करके आया 1। हीलियम है, सैम्बल एच ही है, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस किया, मास नंबर बन गया, एटॉमिक नंबर इसका 2 है। इसी तरह लिथियम का एल आई है, ब्रिलियम का बी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का एन ई है, सोडियम का एन ए है, मैग्नीशियम का एम जी है, एल्युमिनियम का ए एल है, सिलिकॉन का एस आई, फॉस्फोरस का पी, सल्फर का एस, क्लोरीन का सी एल, आर्गन का ए आर, पोटेशियम का के, कैल्शियम का सी ए, और ये इनके नंबर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। नाउ सम एलिमेंट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन डू नॉट रिएक्ट विद एन ए
थिंग. हीलियम, नियॉन, एर्गॉन जो है ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते. दीज एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे आर एटम हैव फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका आखिरी शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं. जब इनका शेल कंप्लीट होते हैं तो ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी को देते हैं, तो ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते. ये नोबल गैसेस कहलाती हैं इस वजह से, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है और इन्हें रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती. आइसोटॉप, द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल. हर एटम किसी भी एलिमेंट का एक जैसा नहीं होता. दे कैन बी डिफरेंट. एटम ऑफ वन एलिमेंट ऑल हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल सेम होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट नेसेसरी हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये ज़रूरी नहीं है कि इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम हो. न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो एटम के अंदर लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट कहलाते हैं. दे बिहेव इन एन अनयूजुअल वे दैट हैज नथिंग टू डू विद योर इलेक्ट्रॉन्स. ये इस तरीके से बिहेव करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं करते. द मोस्ट एलिमेंट हैव मोर देन वन आइसोटॉप्स. बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसके एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स भी होते हैं. क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप्स. एक का 1735 है, मतलब इसमें 17 प्रोटॉन है. और 18 न्यूट्रॉन है. इसमें 17 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है. तो इनमें प्रोटॉन नंबर तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, क्योंकि ऊपर जो दिया हुआ होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है. न्यूट्रॉन इतने तो बाकी क्या होंगे, प्रोटॉन इतने तो न्यूट्रॉन कितने होंगे जो बच जाएंगे बाकी वो. तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज है, इसीलिए मास नंबर चेंज है. इसकी डेफिनेशन ये भी होती है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स, 6, 12, 6, 13, 6, 14. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 6 था, इसमें 7 और इसमें 8. तो कार्बन के 3 एटम मिलते हैं. कार्बन 14 एटम इज वन दैट बिहेव स्ट्रेंजली. कार्बन 14 का जो एटम होता है वो बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. इट न्यूक्लियस इज अनस्टेबल. इसका न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं. इन टाइम एवरी कार्बन 14 एटम थ्रू अ पार्टिकल आउट ऑफ इट्स न्यूक्लियस. वो अपने न्यूक्लियस में से पार्टिकल बाहर फेंकते हैं एंड बिकम अ नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम बन जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिके. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिके कहलाता है. कार्बन 14 इज सेड टू बी रेडियो एक्टिव. कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहा होता है. व्हेन इट डिके इट गिव आउट रेडिएशन फ्रॉम इट न्यूक्लियस. जब ये डिके करता है अपने अंदर से एक पार्टिकल को बाहर निकालता है तो ये रेडिएशन पैदा करता है. यूजेज ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन की कुछ यूज. इंजीनियर्स कैन चेक ऑयल पाइप फॉर लीक बाय एडिंग अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू द ऑयल. इंजीनियर जो होते हैं वो ऑयल पाइप को चेक करते हैं उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल के कि उसमें कोई लीकेज तो नहीं है. डॉक्टर यूज अ वीक बीम ऑफ गैमा रेस टू किल कैंसर सेल. डॉक्टर्स जो हैं वो गैमा रेस को यूज़ करके कैंसर सेल को किल करते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब सम कार्बन 14 एटम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. प्लांट जो है वो कार्बन 14 एटम को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मौजूद होती है उससे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस दरमियान. व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज. जब कोई प्लांट या एनिमल डाई हो जाता है, मर जाता है, इट टेक इन नो मोर कार्बन एटम. और वो दोबारा कार्बन एटम को टेक नहीं करता. द कार्बन 14 एटम एंड स्लोली डिके. स्लोली डिके बाय मेजरिंग द रेडिएशन फ्रॉम देम. द एज ऑफ द डेड रिमेन कैन बी वर्क आउट. इसकी रेडिएशन को मेजर करने के लिए जो मुर्दार चीज़ें होती हैं उनकी एज जो होती है वो काम आती है. दिस इज नोन एज कार्बन डेटिंग. इसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं जो कार्बन के डिके को बताती है कितने ईयर में कितना डिके हो रहा है. वैलेंसी. साइंटिस्ट समटाइम कॉल द वैलेंसी द कम्बाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट. वैलेंसी को कम्बाइनिंग पावर भी कहा जाता है एलिमेंट की. डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में टेंड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. डिफरेंट अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन की होती है उसकी वजह से उनके अंदर एक सलाहियत होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या गेन करते हैं. इफ़ दिस टेंडेंसी इज स्ट्रॉन्ग. अगर ये सलाहियत बहुत स्ट्रॉन्ग है देन द एलिमेंट इज रिएक्टिव और अनस्टेबल. वो रिएक्टिव होगा और अनस्टेबल होगा. इफ वीक द एलिमेंट एंड अनरिएक्टिव एंड स्टेबल. वो अनरिएक्टिव होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा. द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एलिमेंट हैज इट आउटर मोस्ट शेल. इन इट आउटर मोस्ट शेल. जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है उस पर डिपेंड करते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या होगी. इफ़ एन एलिमेंट हैज 4 और फ्यूअर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. अगर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज द वैलेंसी. तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतनी वैलेंसी होगी. इफ द एलिमेंट हैज मोर देन 4 इट वैलेंसी विल बी माइनस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी.
जैसे आपके पास आ रहा है हाइड्रोजन हैज वैलेंसी प्लस वन बिकॉज इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ये दे सकता है या एक ले सकता है। कैल्शियम हैज़ अ वैलेंसी ऑफ प्लस टू बिकॉज इट हैज़ टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो दो ही दे सकता है। कार्बन हैज़ फोर इलेक्ट्रॉन तो प्लस फोर और माइनस फोर दोनों हो सकती हैं कि चार दे भी सकता है चार ले भी सकता है। नाइट्रोजन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ माइनस थ्री बिकॉज इट हैज़ थ्री इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ एट, इसके अंदर पाँच इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन कम होते हैं आठ कम्प्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन में दो कम होते हैं आठ कम्प्लीट करने के लिए और क्लोरीन में एक कम होता है आठ कम्प्लीट करने के लिए, इसलिए इनकी माइनस में होती है। जिन्हें चाहिए होते हैं वो माइनस में, जो देते हैं वो प्लस में। वैलेंसीज लिखी हुई हैं डिफरेंट सब्सटेंस की, वन किस किस की होती है, हाइड्रोजन सोडियम और क्लोरीन दो की प्लस एक की माइनस, कैल्शियम की प्लस टू, ऑक्सीजन की माइनस टू, मैग्नीशियम की प्लस टू, एल्युमिनियम की प्लस थ्री, नाइट्रोजन की माइनस थ्री, बोरॉन की माइनस टू, कार्बन की प्लस फोर माइनस फोर, सिलिकॉन की प्लस फोर माइनस फोर, क्योंकि दोनों जो हैं ये देते भी हैं और ले भी सकते हैं क्योंकि इनके पास फोर फोर होते हैं। वैलेंसीज कैन बी यूज टू वर्क आउट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, वैलेंसीज को यूज़ करते हुए हम केमिकल फार्मूला बना सकते हैं इस कंपाउंड का। स्टडी द टेबल ऑफ वैलेंसी अबव एंड यूज इट टू राइट द फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस टेबल को स्टडी करते हुए हम इसका फार्मूला बना सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, हम इनके फार्मूले बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइंस, द एटम ऑफ सम एलिमेंट कैन ऑब्टेन फुल शेल बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एटम जो होते हैं कुछ एलिमेंट्स के वो फुल शेल ऑब्टेन करते हैं किस तरीके से, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जो उनके पास एक्स्ट्रा होते हैं या वो ले लेते हैं, तो वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, जब वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, या तो अपना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं या ले लेते हैं। ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले हम लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। सोडियम एटम हैज़ जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट शेल, सोडियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। बाय लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन इट कैन ऑब्टेन अ फुल आउटर शेल, ये देने के बाद इसका लास्ट शेल कंप्लीट होता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, ये सोडियम से सोडियम आयन बन जाता है, प्लस वन लग जाता है इसके ऊपर क्योंकि ये ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट द सोडियम आयन हैज़ 11 प्रोटॉन बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज़ अ चार्ज प्लस वन, इसका प्लस वन चार्ज है। सोडियम एटम लूजिंग एन एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड अ पॉजिटिव आयन और अ कैशन, ये पॉजिटिव आयन और कैशन बन जाते हैं जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। गेनिंग इलेक्ट्रॉन, द क्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम इट कैन ऑब्टेन अ फुल आउटर शेल, एक एटम लेने के बाद इसका शेल भी कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये सोडियम से एक एटम ले रहा है तो इसका शेल फिल हो गया, पूरा 8 हो गया, कंप्लीट हो गया। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ये जो है क्लोराइड आयन बनाता है इसको क्योंकि नेगेटिव आयन बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन नेगेटिव हो गया। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट द क्लोरीन आयन हैज़ 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन, इस डायग्राम के हिसाब से क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, सो इट हैज़ अ चार्ज ऑफ माइनस वन, इसके बाद इसके ऊपर माइनस वन का चार्ज आता है। इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव आयन और एन एनियन, इसको हम नेगेटिव आयन और एनियन कह सकते हैं। एन एटम बिकम एन आयन इफ इट लोज और गेन इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम आयन बन सकता है जब वो लॉस या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। एन आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल विच कंटेन एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आयन जो है चार्ज पार्टिकल जो बताता है कि इसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल सेम होते हैं तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं तो उतना चार्ज हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना नेगेटिव चार्ज होगा, जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। अ बाउंड फॉर्म बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन इन अ केमिकल कंपाउंड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, और जो केमिकल कंपाउंड के दरमियान जो बाउंड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, अ कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम जॉइन टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन, कंपाउंड तब बनता है जब दो से ज़्यादा एटम जो हैं वो जॉइंट हो जाएं केमिकल रिएक्शन में। द एटम फ्रॉम द एलिमेंट आर हेल्ड टुगेदर, एटम जो हैं वो एलिमेंट के एक साथ जुड़ जाते हैं बाय फोर्सेस विच साइंटिस्ट कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, जिसे साइंटिस्ट केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वाटर इज़ अ कंपाउंड, वाटर एक कंपाउंड है, इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जैसे कि आपके पास या मैग्नीशियम का आइटम है या क्लोरीन का आइटम है और ये भी क्लोरीन का आइटम है, जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये दो क्लोरीन के आइटम हैं, सी एल नेगेटिव हैं, प्लस टू है इसके ऊपर, तो इसके पास क्योंकि सी एल के पास माइनस वन होता है इसलिए हमने दो लिए ताकि माइनस वन माइनस टू हो जाए और ये से मर्ज हो जाए, तो ये एम जी सी एल टू बनता है हमेशा।
इन द सेम वे सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द सोडियम एंड क्लोरीन आयन. सोडियम और क्लोरीन आयन ज्वाइन होते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन टू एटम आयनिक बॉन्ड क्या था? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं, कोई देता है कोई लेते हैं. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन एटम टू एटम रिएक्ट टुगेदर एंड बोथ देम नीड टू गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू रीच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल. दो एटम जो रिएक्ट कर रहे हो दोनों को इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, कोई भी लॉस नहीं करना चाहते, सब गेन करना चाहते हैं. तो वो क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं. दे डू सो बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम. जैसे ऑक्सीजन को दो चाहिए और हाइड्रोजन के भी दोनों एटम में एक एक कम है, तो ये दोनों हाइड्रोजन के एटम यहाँ के ज्वाइंट हो जाएंगे. तो ये आपका ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, आउटर मोस्ट शेल 8 हो गया, और हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हो गया, दोनों में दो दो हो गए, ना किसी ने दिया ना लिया, ये ज्वाइंट हो गए. इसे कहते हैं शेयरिंग. बिकॉज द एटम शेयर इलेक्ट्रॉन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं, इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है. दिस फोर्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, और ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है. द बाउंडेड एटम फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ये बाउंडेड एटम जो है एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. मॉलिक्यूल कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम. मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम होता है, एक एटम्स का छोटा ग्रुप विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं कोवलेंट बॉन्ड की मदद से. कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर. दीज कंपाउंड आर ऑफ्टन कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड. वो कंपाउंड जिसमें एटम जो है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं कोवलेंट कंपाउंड. बिकॉज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड बॉन्ड इन देम, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? दिस स्टेट दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन कंबाइन दे डू सो इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर होल नंबर. जब इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं तो वो स्मॉल होल नंबर के तौर पर कंबाइन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O. वाटर का फॉर्मूला H2O है. द रेशियो ऑफ H2O इज 2:1. मतलब H के दो हैं और ऑक्सीजन का वन एटम है. द फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1:2. कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये इनका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे. आप पानी कहीं से भी लें उसका रेशियो यही होगा 2:1. कार्बन कहीं से भी लें उसका रेशियो यही होगा 1:2. वर्किंग आउट अ फार्मूला. द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड टेल अस विच एटम इट हैज़ एंड इन वॉट रेशियो. फार्मूला में बताता है कि कौन सा एटम इसके अंदर है और कितने रेशियो में. फॉर एग्जाम्पल इफ द फार्मूला ऑफ वाटर वॉज नॉट नोन. अगर आपको वाटर का फार्मूला नहीं पता, इट विल बी पॉसिबल टू फाइंड आउट द फार्मूला बाई स्प्लिटिंग वाटर इन टू एलिमेंट बाई इलेक्ट्रोलाइसिस. आप इसका फार्मूला बना सकते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, इसके एलिमेंट्स को अलग अलग करके. द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस विल बी ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन. जितना हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन का डबल होगा. इट विल देयरफॉर बी कंक्लूड दैट द एटम मस्ट बी इन द रेशियो 2:1 एंड द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. तो फार्मूला क्या होगा वाटर का? H2O. जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमेशा ऑक्सीजन से डबल होगा, और ये शो करेगा कि हाइड्रोजन डबल होते हैं ऑक्सीजन सिंगल होता है. आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.